अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास काइलोपोडा पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं सेंटीपीड्स। सेंटी का मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी लेग्स का नंबर 100 तक जा सकता है। पीड्स का मतलब यहाँ पे लेग्स है। नेक्टर्नल होते हैं, यानी कि ये रात के वक्त एक्टिव होते हैं। इनकी जो एपिक्यूटिकल होती है ना, उसमें भी वैक्स नहीं होती। मिलीपीड्स में वैक्स होती है लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन सेंटीपीड्स में जो एपिक्यूटिकल होती है उसमें वैक्स नहीं होती। इस तरह इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, ऐसे हैबिटेट में रहना पड़ता है जहाँ पे वाटर लॉस बहुत कम हो, यानी कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट। सेंटीपीड्स के जो सेगमेंट्स हैं, ट्रंक सेगमेंट्स, ये 15 होते हैं या उससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। हर सेगमेंट पर एक पेयर ऑफ लेग जो है वो प्रेजेंट है, और जो लास्ट पेयर ऑफ लेग है वो मॉडिफाइड है सेंसरी अपेंडिजेस में। अब अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन लें तो इनकी बॉडीज़ जो हैं वो फ्लैट होती हैं क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। यानी कि इनको हम कट करें इनकी बॉडी को तो वो अंदर से फ्लैट होगी। फूड इनकी क्या होती है? सेंटीपीड्स जो हैं ये फास्ट मूविंग प्रीडेटर्स हैं, यानी कि ये प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। इनकी फूड क्या होती है? स्मॉल आर्थ्रोपोड हो सकते हैं, अर्थवर्म हो सकते हैं, स्नेल्स हो सकते हैं। कुछ सेंटीपीड्स ऐसे हैं जो फ्रॉग्स भी खा जाते हैं और रोडेंट्स भी। अब ये फूड कैसे कैप्चर करते हैं? पॉइजन क्लॉज होते हैं इनमें। पॉइजन क्लॉज हैं क्या? फर्स्ट ट्रंक अपेंडेजेस हैं जिन्हें मैक्सिलीपीड कहा जाता है। ये किल कर देते हैं प्रे को या फिर उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, यानी कि वो हरकत नहीं कर सकता। मैक्सिलीपीड्स के साथ माउथ अपेंडेजेस मिल के ना प्रे को होल्ड करते हैं, मैंडिबल्स च्यू कर लेते हैं और इस तरह ये फूड को इंजेस्ट कर जाते हैं। अब क्या होता है, सेंटीपीड्स जो है ना वो बाइट भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो विनोम है ना वो हार्मलेस होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटीपीड्स हैं जिनकी जो बाइट करते हैं जब ह्यूमन को, तो उनकी बाइट ऐसे लगता है जैसे वैस्प ने काट लिया हो, ठीक है। डेट्स जस्ट लाइक वैस्प स्टिंग्स। और जो बड़ी ट्रॉपिकल स्पीशीज़ है ना, उनसे ह्यूमन डेथ्स भी रिपोर्ट की गई हैं, यानी कि सम वाट ये डेंजरस भी हैं। लास्ट वन है रिप्रोडक्शन। अब इनकी रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर में क्या होता है कि मेल में ना पोस्टीरियर साइड पे ना टिप पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं कि ये सिल्क वेब बना दें। सिल्क वेब जब बन जाती है तो उसमें स्पर्मेटोफोर जो मेल है ना वो डिपॉजिट कर देते हैं। अब फीमेल आती है, उस वेब से स्पर्मेटोफोर ले लेती है, ठीक है, और उनको इंट्रोड्यूस करा देती है जेनिटल ओपनिंग में। जैसे ही एग्स वो ले करती हैं फीमेल्स, तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फीमेल क्या करती है, ब्रूडिंग भी करती है और पेरेंटल केयर प्रोवाइड करती है एग्स को। अपनी बॉडी को रैप कर लेती है एग्स के गिर्द, या फिर जो एग्स होते हैं ना उनको डिपॉजिट कर देती है सॉयल में। और जो यंग वंस होते हैं इनके, वो अडल्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें जो सेगमेंट्स का नंबर होता है वो कम होता है। जैसे जैसे मोल्टिंग होती जाती है ना, नंबर ऑफ लेग्स एंड सेगमेंट्स उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाता है, अनटिल के वो अपनी अडल्ट फॉर्म अटेन कर लेते हैं। सब फाइलम यूनिरेमिया की दो और क्लासेस हैं, पारोपोडा एंड सिम्फाइला। इससे पहले हमने डिप्लोपोडा देखा, काइलोपोडा, अब पारोपोडा, सिम्फाइला, और इसके बाद हम लास्ट लार्जेस्ट क्लास देखेंगे जो कि है हेक्सापोडा, यानी कि इंसेक्ट्स। क्लास पारोपोडा के जो मेंबर हैं ना, उनमें बॉडी सेगमेंट 6 से 11 तक हो सकते हैं। ये फॉरेस्ट फ्लोर लिटर में रहते हैं, वहाँ पे ये किस पे फीड करते हैं, फंजाई पे, ह्यूमस पे। ह्यूमस जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। साइज़ इनका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत स्मॉल होता है, थिन होते हैं, और इनमें जो गैस एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, सारा कुछ वेस्ट का जो रिमूवल है वो सारा कुछ डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत थिन होता है। ये देखें, ये जो है ना क्लास पारोपोडा का एक मेंबर है। 6 सेगमेंट्स हैं इसके बॉडी सेगमेंट्स, और ये बहुत डेलिकेट सा है। अब नेक्स्ट है सिम्फाइला। सिम्फाइला में स्मॉल आर्थ्रोपोड्स आते हैं, और ये ना बेसिकली रिजेंबल करते हैं सेंटीपीड्स के साथ, इसलिए इनको हम ऑफन गार्डन सेंटीपीड्स भी बुलाते हैं। इनमें आइज़ नहीं होती,
12 सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट के साथ 1 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है। पोस्टीरियर जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे सेंसरी ब्रिसल्स होते हैं। फीड ये किस पे करते हैं? डिकेइंग वेजिटेशन पे। लेकिन कुछ स्पीशीज़ इनमें से जो है ना वो पेस्ट भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के जो कह लें मेम्बर्स आर्थ्रोपोडा के ये नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो आर्थ्रोपोडा के मेम्बर्स हैं ना उनमें इंसेक्ट की है। ये हैं सिम्फाइला, और ये आप देख लें इसकी रिजेम्बलेंस है सेंटीपीड के साथ।